नमो नारायण मित्रों, हम बात करने वाले हैं एन नाम वाले जातक का। 19 से लेकर के 22 अगस्त 2022 तक का समय कैसा रहने वाला है। इस समय चंद्रमा मिथुन राशि और कर्क राशि में गोचर करेंगे। सूर्य मिथुन राशि से बाहर निकलकर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल मेष राशि में रहेंगे। बुध पहले मिथुन राशि में थे लेकिन बाद में कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु यानी कि बृहस्पति मीन राशि में गोचर करेंगे। शुक्र वृष राशि से निकलकर मिथुन राशि में आ जाएंगे। शनिदेव मकर राशि में रहेंगे, राहु मेष में रहेंगे और केतु तुला राशि में गोचर करेंगे। मेरे प्रिय दर्शक, यह था ग्रह गोचर का कुछ स्थिति। अब आइए हम ग्रह गोचर का मूल्यांकन करते हुए बात कर लेते हैं आपका भविष्य क्या कह रहा है। सबसे पहले मेरे प्रिय दोस्तों, हमें आप लोगों से विनम्र निवेदन है, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें अगली वीडियो बनाने में काफ़ी उत्साह प्रदान करता है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप सृजनात्मक ऊर्जा से भरपूर हैं, अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करें और इससे आपको खुशी और सौभाग्य दोनों मिलेंगे। दिल की न सुने, अपने दिमाग की सुने। तर्क शक्ति से काम लें, अपनी ऊर्जा को सही जगह पर लगाएं। निवेश के लिए अच्छा दिन है, अधिक सावधानी की बजाय अपने आप को थोड़ा ढीला छोड़ दें, राहत मिलेगी। आप त्वचा और दांत से जुड़ी तकलीफों से परेशान हो सकते हैं। अपने खाने में खूब सारी हरी सब्जियां और दूध, फल और दूध से बनी चीज़ें शामिल करें। एलर्जी की आशंका भी बनी हुई है, ध्यान रखें कि आप एलर्जी करने वाली सभी चीज़ों से दूर रहें। अपनी सेहत और सुंदरता को बनाए रखने के लिए भोजन और एक्सरसाइज पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं आपका लव लाइफ और पारिवारिक संबंध कैसा रहेगा। आप भगवान के द्वारा बनाए हुए अद्वितीय और विशेष हैं और किसी को आपके बारे में गलत बोलने का अधिकार नहीं है। अगर आप ऐसे महसूस करते हैं तो सूक्ष्म कोमलता और शांत से अपने कार्यों से अपना जवाब दीजिए। स्थिति में एक मोड़ आएगा, आपका साथी आपको समझेगा। वर्तमान में आपका प्यार परिवेश के कारण व्याकुल है लेकिन जब कठिन स्थिति आएगी तो आपके साथी को आपका महत्व पता चलेगा। अब हम बात कर लेते हैं आपका धन का लाभ होगा या धन की हानि होगी। आपका करियर कैसा रहेगा। आप सक्रिय हैं और आज आपकी सक्रिय प्रकृति आपको शीर्ष पर रखेगी। आप सभी गतिविधियों के केंद्र पर हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। बस अपनी गति को बनाए रखने और आगे बढ़ते रहें। अब भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुत कुछ है। आप अपने कार्य क्षेत्र को व्यवस्थित रखें और समय समय पर अपने दस्तावेजों को देखते रहें। आपको अत्यधिक खर्चों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए नहीं कि वो खर्चे दूर नहीं किए जा सकते थे बल्कि इसलिए कि आप खुद उन खर्चों को करना चाहते थे। यह ठीक है कि आप अपने मुश्किल समय के लिए पैसे बचाते हैं जो कि बुद्धिमत्ता वाला काम है, लेकिन आज आप अपने या अपने किसी खास व्यक्ति को आपके बहुत निकट हैं उनके लिए किसी छोटी सी पार्टी का आयोजन कर सकते हैं। मेरे प्रिय दर्शक, हम मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, धन्यवाद।